हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुखपूर्वक प्रसव कराने के लिए हमारी माताओं और बहनों के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। प्रयोग को बताने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, आजकल डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन का बड़ा बोलबाला है, हर किसी के मुंह से ये सुनने को मिल ही जाता है। दोस्तों, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में बच्चे अक्सर ऑपरेशन के द्वारा ही होते हैं। एक बार ऑपरेशन हो जाए तो दोस्तों, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को एक लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना ही पड़ता है, परंतु वो इस समस्या से और लंबे समय तक दवाइयाँ खाने से बच सकती हैं। इसी के लिए दोस्तों, आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसके अपनाने से सुखपूर्वक प्रसव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल है व गुणकारी है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अरंड की जड़ और गाय का शुद्ध देसी घी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अरंड की जड़ ले लीजिए। लेने के बाद आप इसे अच्छी तरह से साफ करके इसे धो लें। अच्छी तरह से धो लेने के बाद दोस्तों, आप इसे घिस कर इसमें गाय का घी डाल दीजिए और गर्म करें। और जिन भी मेरी बहन को प्रसव होने वाला हो, उसे गरम गरम ही इसे पिला दीजिए। ऐसा करने से सुखपूर्वक प्रसव हो जाएगा और वह ऑपरेशन व ढेर सारी दवाइयों के सेवन से बच जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही गुणकारी है और ये एक चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोग है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल है, आप भी इसका अवश्य ही लाभ उठाएं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।